बड़ी खबर आ रही है रामपुर से, पुरानी रंजिश में फायरिंग, लगभग 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और घायलों में 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बच्चों के मिकी माउस पर झूलने को लेकर ये गोलियां चल गईं और रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र के चक खरादिया गांव की ये पूरी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया, गोलियां चल गई, कई लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, सभी का इलाज जारी है। रामपुर से यह बड़ी खबर, पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग को अंजाम दिया गया, लगभग 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सभी अस्पताल में भर्ती, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। और मिकी माउस को लेकर दरअसल ये पूरा झगड़ा हुआ, यानी कि बच्चों के जरिए ये झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन चूंकि पुरानी रंजिश थी तो पुरानी रंजिश का बदला कुछ इस अंदाज में लिया गया। 9 लोग घायल हो गए, फायरिंग हुई। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त पुलिस वहां पहुंची हुई है, मौका वारदात का मुआयना करती हुई पुलिस, और बाकी सभी 9 लोग जो घायल हुए सभी को इलाज के लिए। यहाँ पर 2 पक्ष हैं, एक पक्ष अमीर अहमद का और दूसरा पक्ष है इश्तकार का। इनमें पहले से ही अपनी प्रधानी और विभिन्न मामलों को लेकर रंजिश चली हुई है, जिनमें से दोनों लोग जनवरी से 50,000 रुपये से ये बाउंड डाउन हैं और इनके मुचलके भरे हुए हैं, लेकिन इनके उसी घटनाक्रम को लेकर आज इन्होंने आपस में झगड़ा किया और फायरिंग भी की है, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा गया है और जिस असलाह से इन्होंने फायरिंग की है असलाह भी बरामद हो चुका है। फहीम खान हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं इस पूरे मसले को लेकर। फहीम, आपसे ये जानना चाहेंगे, यहां पर तस्वीरों में देखा जा रहा है बहुत सी पुलिस पहुंची हुई है, कौन से ये 2 गुट थे, किस बात पर ये झगड़ा शुरू हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र का चक है गांव, वहां का मामला है। ये जो 2 पक्ष हैं इनमें पुरानी रंजिश थी, पुरानी रंजिश बहुत टाइम से चली आ रही थी और एक दूसरे की जान के दुश्मन तो ये लोग थे ही, लेकिन इनमें 3 दिन से लगातार झगड़ा इस बात पे चल रहा था कि एक मिक्की माउस जो झूला टाइप का होता है उस पर बच्चे झूल रहे थे और एक दूसरे के बच्चे को झूलने को लेके मामूली बात पे ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। और जैसा कि ग्रामीणों ने हमें बताया कि कल भी इनके बीच में गोली चली थी और उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची थी, हैंडराइट डायल के सामने ये लोग हमलावर भी हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर। कुल मिला के जो था कि वो पुलिस वहां से वापस आ गई और किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को पकड़ा नहीं, तो आज ये मामला जो है फिर तुल पकड़ा और इस मामले में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और आमने सामने मैदान में आ गए। मैदान में एक दूसरे को ललकारते हुए, जैसा ग्रामीणों ने हमें बताया है, सूत्रों ने हमें बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को ललकारते हुए एक दूसरे पे गोलियां चलाई और तड़ातड़ चली गोलियों में 9 लोग घायल हुए, जिनमें एक आदमी की जो अस्पताल पहुंचते हुए मौत हो गई। तो जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये भी मैं आपको बता दूं कि कल और परसों भी अजीमनगर थाना टांडा क्षेत्र में अजीमनगर थाना क्षेत्र है उसमें एक मामला हुआ था जहां पे वहां भी गोली चली थी। तो ये दूसरी वारदात रामपुर के अंदर आई है जहां ये गोलियां चल रही हैं। तो इस टाइम में जो लॉकडाउन में पुलिस जैसे बिजी है उस हिसाब से लोग गांवों के अंदर क्राइम करने से बात नहीं आ रहे हैं, वो लड़ झगड़ के एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हैं और अपनी पुरानी रंजिश को पूरा करने के लिए इस हद तक गुजर रहे हैं कि लोग गोलियां बरसा रहे हैं और गोलियों बरसाने में लोगों की मौत हो रही है। और यहाँ तक कि प्रशासनिक अपना जहां कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी दिखती है, पुलिस अगर पहले ही कोई कार्रवाई कर देती तो शायद ये नौबत नहीं आती। बहुत शुक्रिया फहीम खान आपका इस पूरी जानकारी के लिए।